सब्सक्राइब करिए ईएमटी सॉल्यूशन चैनल को लेटेस्ट टेक वीडियो और सभी तरह के टेक्नोलॉजी रिलेटेड सॉल्यूशन पाने के लिए और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आप सभी के चैनल ईएमटी सॉल्यूशन में। दोस्तों, यहां हम बात करने वाले हैं कॉन्फ्रेंस कॉल के बारे में। एक बेसिक सबसे कॉमन इश्यू जो आ रहा है अभी सब फोनों के अंदर, वो आ रहा है आपके कॉन्फ्रेंस कॉल का इश्यू। यानी आपका जो एमआई का फोन हो, चाहे आपका सैमसंग का फोन हो, या फिर आपका वीवो का फोन हो, या ओप्पो का फोन हो, कोई भी फोन हो, उसमें बेसिकली एक इश्यू आ जाता है हर किसी के सामने कि भैया कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं लग रही है। इस केस में दोस्तों आप सोचते हैं कि यार मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ। नेट पर काफी सारे वीडियो भी देखते होंगे, वो सेटिंग्स में जाने के लिए बोलते हैं, यहाँ जाने के लिए बोलते हैं, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता दोस्तों। ऐसा कोई बटन नहीं होता कि भैया वहां क्लिक करके कॉन्फ्रेंस कॉल को ऑन किया जाए। यहां पे मैं आपको रियल तरीका, रियल वजह बताऊंगा कि आखिरकार क्यों कॉन्फ्रेंस कॉल का इश्यू आ रहा है और कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, किस वजह से कॉन्फ्रेंस कॉल का इश्यू आता है। तो दोस्तों, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जो कि है सिम पर राई, यानी सिम का इश्यू होता है तब कॉन्फ्रेंस कॉल का इश्यू आता है। इसके अलावा दूसरा वीडियो है जो है सेटिंग्स का, यानी आपके फोन की सेटिंग्स में भी कुछ ऐसा मिस्टेक्स हो जाती है जिस वजह से कॉन्फ्रेंस कॉल का इश्यू आता है। तो यहां पर हम दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिससे आप प्रॉपर वे में समझ जाएंगे कि आखिरकार कैसे हमें कॉन्फ्रेंस कॉल के इश्यू को सॉल्व करना है। तो देखते रहिए इस वीडियो को, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे कॉन्फ्रेंस कॉल के इश्यू के बारे में, तो अभी जो फोन आ रहे हैं, चाहे रेडमी नोट 4 हो, चाहे रेडमी नोट 5 हो, चाहे एम आई के दूसरे फोन हो, या फिर आपके लेनवो, या फिर सैमसंग, वीवो, ओप्पो, कोई भी दूसरे फोन हो, उसमें एक ही इशू आपको मिल जाता है, कॉमन इशू है कि कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं हो पा रहा है। ये सभी फोनों में नहीं होता है, कुछ कुछ फोनों में होता है, और वजह क्या है इसकी, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, क्या होता है कि मान लीजिए आपका या फर्स्ट टाइम आप कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हैं, आपने नई सिम ली है, तो अगर वो सिम पोस्टपेड कनेक्शन है, यानी आपकी जो सिम है वो पोस्टपेड सिम है, इस केसेस में दोस्तों आप ये चेक नहीं करते हैं कि आपकी जो पोस्टपेड सिम है वो उसके अंदर कई कॉन्फ्रेंस कॉल बंद तो नहीं कर दी गई है या बंद तो नहीं है। पहले अगर आपकी पोस्टपेड सिम है, प्रीपेड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पोस्टपेड सिम की बात कर रहा हूँ, तो अगर आपके पास पोस्टपेड सिम है तो पहले वहाँ कस्टमर केयर पर जिस भी सर्विस आप ले रहे हैं, चाहे एयरटेल की हो, चाहे रिलायंस की हो, वहाँ पर बात कर लीजिए कॉन्फ्रेंस जो अपने कस्टमर केयर वालों से, उनसे बोल दीजिए कि हमारे जो कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं हो पा रही है, तो अगर उनको वहां से डीएक्टिवेट होगा वो तो वो उसे एक्टिवेट कर देंगे दोस्तों। ये पहला इश्यू होता है आपके कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं होने का। तो दोस्तों, दूसरे इश्यू के बारे में बात करता हूं। दोस्तों, दूसरा इश्यू ये होता है कि जो आपका फोन है उसके अंदर कुछ बग्स लग रहा है और सेटिंग्स में प्रॉब्लम है। यानी मैं आपको बोलूंगा कि भैया कौन सी सेटिंग में जाना है, यहां पर आपको फोन में जाना है, यहां पर जाना है, नहीं दोस्तों, यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपकी इंटरनल सेटिंग्स होती है, यहां पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप ऑन ऑफ करके कॉन्फ्रेंस कॉल को स्टार्ट कर सके। आपको करना क्या है, आपको रियल तरीका यही करना है कि आपका फोन को एक बार आपको रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के बाद उसको रिबूट कर दीजिए, यानी रिबूट करने के बाद जब उसे फॉर्मेट कर देंगे तो उस केसेस में वो फोन बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, उसके जंक वगैरह, फाइलें वगैरह क्लियर हो जाएगी। उसके बाद उसे अपडेट करिए, गूगल प्ले की सारी एप्लीकेशन अपडेट करिए, अपने फोन को पूरा अपडेट करिए। अपडेट करने के बाद दोस्तों उसकी जो बग्स की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। देखते रहिए एमटी सॉल्यूशन का वीडियो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इश्यू आ रहा है, तो अभी मुझे कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।